असम में हाल ही में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के एक कार्यक्रम में पुलिस को एक 3 साल के बच्चे से काली जैकेट जबरन उतरवाने का मामला बढ़ने के बाद इसका वीडियो वायरल हो गया और स्थानीय टीवी चैनलों द्वारा भी इस घटना का प्रसारण किया गया। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। हुआ यह है कि एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें सोनोवाल के कई मंत्रियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा काले झंडे दिखाए जाने वाले थे। इसी बीच कांग्रेस के भी कई विधायक विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर आए। इन घटनाओं के बाद से पुलिस और सुरक्षा कर्मी काले कपड़े पहने लोगों को मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के अन्य कार्यक्रमों में आने से रोकने लगे। इसी बीच एक बच्चा एक अपनी माँ के साथ कार्यक्रम में शामिल हुआ जो काली जैकेट पहना था। पुलिस इस पूरे मामले में घबरा गई और उसने 3 साल के बच्चे से काली जैकेट जबरन उतरवा ली। जब यह पूरा मामला टीवी चैनलों पर आया तो इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई कि किस तरह से एक 3 साल के बच्चे की काली जैकेट से पुलिस भी घबरा गई और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कार्यकर्ता भी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।